प्रोटीन होगी या नहीं होगी वो चीज़ आपको पूछ गया, मतलब प्रोटेशन के लिए क्या कंडीशन होगा और दूसरी उसका कितना पार्ट आपका उसमें डिप करेगा, कितना पार्ट इमर्जा होगा और कितना पार्ट आपका बाहर रहेगा वो फ्लोट कर रहा है, और दूसरा केस अगर डिप कर गया तो नीचे सटर डाउन हो जाएगा। तो उस केस में कंडीशन ऑफ प्रोटेशन ऑफ बॉडी, कंडीशन ऑफ प्रोटेशन ऑफ बॉडी कर लो, कंडीशन फॉर फ्लोटेशन ऑफ बॉडी वो हो गया जैसे बता दिया था ना, वो तो समझा रहे थे यार, अभी इसके बाद दिखाएंगे। कंडीशन फॉर फ्लोटेशन ऑफ बॉडी, कंडीशन फॉर या आप जो भी कर लो फ्लोटेशन या फिर फ्लोटेशन ऑफ बॉडी, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी लिक्विड में हम लोग रखते हैं उसको डिप करते हैं ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है वो पूरा पूरा डूब जाएगा या पार्शियली डूबेगा, ठीक है, क्या कंडीशन बनेगी आपको ना अपने हाइट के लेवल के आर्मिटेज प्रिंसिपल पढ़ाया होगा, आर्मिटेज का सिद्धांत ठीक है पढ़ाया गया होगा, सब लोगों ने पढ़ा रखा होगा ठीक है। यहाँ तक प्रोटेशन को सिर्फ हम लोग रिलेट करते हैं जो कोई भी लिक्विड है, बॉडी में इसमें रखा बॉडी है
लोग एक मतलब के बराबर ले लेते, पहले वाले के यहाँ से दिखा देते हैं दो है, पहले वाले का सिग्मा ए, इसका सिग्मा, इसका सिग्मा डैश, इसका सिग्मा डबल, तो रिलेट करेंगे हम नीचे यहाँ। पहले वाले केस में इस केस में मैंने कि सिग्मा के जो वैल्यू है बॉडी बॉडी को विद पार्शियली इमर्ज कंडीशन, विद है पार्शियली इमर्ज आई डबल एम ई आर इमर्ज कंडीशन, ये पहला केस हो गया पहला डायग्राम के बारे में। अगर जो डेंसिटी बॉडी की है वो लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो बॉडी फ्लोट करेगा विद पार्शियली इमर्ज कंडीशन, पार्शियली इमर्ज मतलब आंशिक रूप से बेटा डूबा होगा और कुछ पोर्शन उसका क्या होगा बाहर होगा। अब कितना डूबेगा कितना बाहर होगा ये डिपेंड करेगा इन दोनों के डेंसिटी के डिफरेंस पे। अगर ये जितना हल्का होगा जितनी डेंसिटी इसकी लो होगी स्मॉल होगी उतना ही इसका पोर्शन बाहर ज़्यादा होगा, जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी क्लोजर जो क्या लो के उतना ही इसका पोर्शन डूबता जाएगा। ठीक, सेकेंड कंडीशन हमारा है ये सेकेंड वाला जो लोन डायग्राम बनाया ये हमारा, यहाँ पे कंडीशन आपको बनना है ठीक है कि इस सेकंड केस के लिए इफ सिग्मा इक्वल टू रो, यानी बॉडी और लिक्विड की डेंसिटी दोनों बराबर बराबर, बॉडी और लिक्विड की डेंसिटी दोनों कैसे हैं बराबर बराबर, ठीक, तो अगर दोनों की डेंसिटी बराबर होंगी अगर इक्वल है में ये जहाँ पे आप छोड़ दोगे वहीं पर रुका रहेगा।
इस वाले सिचुएशन जहाँ छोड़ देंगे वहीं पे क्या करेगा, स्टे रहेगा। जनरली अगर आप ऊपर से स्लोली आपने किया है तो सरफेस पे ही एक्सेस करता हुआ रहता है, लेकिन अगर बीच में आके छोड़ देंगे ना तो वहीं पर स्टे कर जाता है, क्योंकि वहाँ जितना डिस्प्लेस करेगा उतना हिस्सा रहेगा, तो उसका मूवमेंट सेफ नहीं होता है, ठीक है। बट कम्प्लीटली वो क्या रहेगा, हमेशा इमर्ज कंडीशन में ही लाई करेगा, लेकिन इसको छोड़ेंगे तो यहाँ कहीं बीच में नहीं रुकेगा, हमेशा कहाँ आके रुकेगा, नीचे ही रुकेगा। ये दोनों अंतर होता है यहाँ पे, इसलिए लिखा गया एंड स्टे एट बॉटम ऑफ लिक्विड कॉलम, ठीक है। हमेशा कहाँ आएगा, लिक्विड कॉलम के बॉटम पे आएगा, ठीक। अब इतना मात्र इतना फर्क क्या है, फ्लोटिंग की कंडीशन क्या होगी, या तो उसकी बॉडी की डेंसिटी लेस देन लिक्विड हो, या तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो लिक्विड, तब तक वो फ्लोट करेगा। उससे ज़्यादा अगर आपकी बॉडी की डेंसिटी होगी लिक्विड से तो वो चेंज कर जाएगा। ह्यूमन की कंडीशन बेटा आपकी जो डेंसिटी होती है जनरली हम क्या स्लाइटली क्या होता है लेस होता है जब हम लोग क्या पानी में डूबते हैं, इसीलिए आदमी जब क्या करता है, पहले तो स्टार्टिंग के केस में अगर आपने क्या इंटेक कर लिया गैस पार्टमेंट में है तो उस केस में आप थोड़े हल्के होते हैं, लेकिन पानी पी लेते हैं तो क्या होते हैं डूबने अटेंड करते हैं, उसके बाद फिर से बॉडी स्वयं करती है तो फिर से कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, तो कंडीशन बदलती रहती है। इसका मतलब अगर पानी ना पिए तो डूबेंगे नहीं, पानी जब अंदर चले जाओगे तो पानी घुसेगा घुसेगा या ठीक है, हल्का हल्का अगर हाथ पैर आप चलाते रहते हो ठीक है तो उसके इसमें जल्दी डूबते नहीं, लेकिन इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप चला लीजिए ठीक, और तभी चला पाएंगे जो पहले कभी चलाए होंगे। हो गया बताइए, नोट कर लिया सर, ह्यूमन बॉडी से डिपेंड नहीं करता तैरने पे, मोटा आदमी की आदत चलेगा पतला हो भी आदत चलेगा, ये तो आपकी एक्टिविटी डिपेंड करता है यार। बहुत सारे मोटे लोग हैं उनका वेट 80 किलो होता है, बहुत सारे पतले होते हैं उनका वेट 90 किलो होता है, तब कैसे कैसे डिसाइड करते हैं, उनकी डेंसिटी ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादा से ज़्यादा भी उनमें चांस हो जाएंगे, जिसकी डेंसिटी कम होगी कम भी उनमें चांस आएंगे, इसीलिए मुझे बॉडी स्वेल कर जाती है, तो फिर से बॉडी कहाँ आ जाती है बाहर, क्योंकि उस समय की डेंसिटी रिड्यूस कर जाती है, वाटर से रिड्यूस हो जाएगी तो बाहर आ जाएंगे। लगता है वो ऑलवेज होता है इकट्ठे वेट आपका लिक्विड डिस्प्लेस्ड है,
वो लिक्विड के वेट के डिस्प्लेस वेट के बराबर होता है, जितना लिक्विड को बॉडी ने डिस्प्लेस किया है। जी मतलब लिक्विड को डिस्प्लेस वेट के बराबर है तो लिक्विड के क्या डेंसिटी डिपेंड करेगा ना, ठीक है। यहाँ पे अपर्स फोर्स जो होता है ये अपर्स इक्वल टू होते हैं वेट ऑफ लिक्विड वाटर डिस्प्लेस बाय बॉडी, डिस्प्लेस बाय बॉडी। और ये जो वैल्यू होगा कंट्रोल होता है बालों का डिस्प्लेस लिक्विड या बालों का बिट पार्ट ऑफ बॉडी, कंट्रोल होते हैं बालों का डिप्ट पार्ट ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू डी। ये होगा बालों का बिट बी डैश इनटू रो इनटू जी, ये अपर्स फोर्स के बराबर होता है। अपर्स फोर्स क्या आ जाएगा बराबर, मतलब इसके लगने वाला जो लिक्विड के बराबर प्लाना बल होगा, क्या लगेगा जो इसके बेटा अपर्स फोर्स का लगाया है इसकी वैल्यू जो हो गई बी डैश इनटू रो इनटू जी। अगर ये आज कुछ पार्ट पोर्शन डूबा हुआ है तो आपने लिखा बी डैश इनटू रो इनटू जी, पूरा डूब जाएगा तो बी इनटू क्या हो जाएगा रो इनटू जी होगा, ठीक है। अगर पूरा डूबा होगा हमारा पूरा मालूम बी था, अगर पूरा डूबेगा तो बी रो जी हो जाएगा, और अगर आधा डूबा तो सी डूबा, जो भी डूबा तो क्या होगा बी डैश इनटू रो इनटू जी के बराबर होगी। अब एक दूसरा चीज पूछा जाता है बेटा, हाँ इसी को हम ठीक है, मैंने लिक्विड क्या है, मैंने बॉडी इज पार्शियली और कंप्लीटली लिक्विड, देयर इट क्या फील इट फील लॉस इन इट वेट एंड द लॉस इन वेट इज इक्वल टू क्या अप्लाइड फोर्स, जब किसी बॉडी को हम लोग बेटा लिक्विड में क्या ड्रॉप करते हैं तो उसके उसका वेट जो होता है वो एक्चुअल एयर वेट से घट जाता है बढ़ जाता है। लिक्विड के अंदर किसी बॉडी का जो वेट आपको अपीयर होगा वो आपका एक्चुअल जो वेट एयर में होगा उससे ज़्यादा अपीयर होता है उससे कम, हमेशा उससे बेटा कम अपीयर होता है। रीजन क्या है, जितना आपने उसमें लिक्विड डिस्प्लेस करने के वैसा फर्स्ट फोर्स लगाया उतनी वैल्यू क्या लग जाएगी कम रिड्यूस कर जाएगी, उतनी वैल्यू उसमें क्या होती है कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे तो बी डैश इनटू रो इनटू जी के बराबर हो गया, आगे हम देखते हैं क्या चीज, ठीक है। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम बोला जाए कि अपेरेंट वेट इन आवर बॉडी लिक्विड, अपेरेंट वेट तब
जीरो नहीं मिलता, जब तक तैरेगा नहीं निकलता है तो वो क्या हो गया, अगर डेंसिटी बढ़ेगी नाचे हो जाएगी तो तैरना बंद कर देगा, तब अपने वेट की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा। ठीक ऐसे दिखा देंगे, ये चाहे ऊपर हो तो डूबे चाहे नीचे हो, अभी तक वो तैर रहा है, चाहे जब पूरा डूबेगा तो वीडियो से जब भी ले लेंगे, लेकिन जब डूब जाएगा पूरा तब उस केस में फिर इसी फार्मूला करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वीडियो से फिर डूबी कर लेंगे तो वी भी कम हो जाएगा। ठीक यहाँ पर नोट पेड पेज पे लिखवा दें, ये सब ए डबल पी का मतलब एक्सपेरिमेंट का आभासी जो हमने दिया जितना मिला हमें पानी में डालने के बाद उससे दिया होगा, अगर तय रहा तो हमें फिर ऊपर से रुकने के बाद नहीं लगाना पड़ेगा ना, डिफरेंट वेट की वैल्यू होगी बी सिग्मा माइनस वी डैश सिग्मा। अगर हम पानी में ना डालें हम डालें तो कितना मिलेगा, बी इंटू सिग्मा इंटू सी, बी इंटू सिग्मा बॉडी डेंसिटी सिग्मा है, बॉडी डेंसिटी कितना दिया हमने सिग्मा दिया, बालू बी है बी इंटू सिग्मा इंटू सी, देखिए बी सेकेंड की बना लेते हैं होता है वो कंडीशन ऐसी होती है, क्रिटिकल लाइफ वाली के बड़े काम की है, ठीक है, वही कंडीशन यहाँ होता है।
जितना भी बाहर आपको दिखेगा ना उसका, जैसे आइस को हम जो डुबाते हैं तो 11 9/10 टाइप पार्ट उसका क्या होता है बाहर दिखता है, 1/10 पार्ट है, 9/10 पार्ट हो गया तो 1/10 पार्ट हम बाहर दिखाई पड़ते हैं अप्रॉक्सीमेटली। हो गया नोट कर दीजिए, उसको भी नोट कर दीजिए, उसका फिर हम बताएँ मास बना हो क्या होगा पानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 800 kg per meter cube एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1000 kg per meter cube। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1000 kg per meter cube। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1000 kg per meter cube। ठीक हो गया, देन पहला पॉइंट डिटरमाइन, देन डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ बॉडी डिप इन द लिक्विड, ये पहला पॉइंट है इसका। देन डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डिप इन द लिक्विड, दूसरा पॉइंट। सेकेंड वॉल्यूम ऑफ अनडिप्ड पार्ट ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ अनडिप्ड पार्ट ऑफ लिक्विड कितना बचा रहेगा, वॉल्यूम ऑफ अनडिप्ड पार्ट ऑफ लिक्विड। तीसरा वॉल्यूम ऑफ क्या लिखा बेटा, अनडिप्ड पार्ट ऑफ लिक्विड। थर्ड लिखिएगा अप्रस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, अप्रस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ये बॉडी है उस पर अप्रस फोर्स कितना रहेगा, जल्दी से अप्रस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है,
यस सर। कितने लोग आए हैं? सर तो हम खड़े हैं, चेयर के ऊपर बैठे हैं। चलो देखो बेटा आया। यस सर। कितने लोग आ गए हैं? जैसे करिए अभी जैसे मामला आपको बताया गया है यार, डाटा रखना है खाली। ठीक, इसमें लगने वाला आपका फोर्स कितना हो गया?
8000 न्यूटन उसके बॉडी पे अपना उसको लिक्विड लगाएगा, ठीक। तो ये आपकी कंडीशन होती है, यहाँ से हमें निकाल लेते हैं कितना प्रोटीन का होगा, कैसे पार्शियली कितना इमर्ज होगा, ये सारी चीज़ें इसमें अप्लाई करके डिवेकल भी आपको पूछे जाते हैं, मोस्टली डिवेकल ही बनाया जाता है इस पर। इसमें बहुत कठिन है, इस पर आप क्या बनाए फार्मूला जब वही है तो उससे टेढ़ा क्या बनेगा, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। यस सर, तो ये चीज़ आपके होती है, यहाँ पर आप निकाल लेते हैं, ठीक। आपका क्या है, इसमें शराब है, ठीक है, पढ़ लीजिए फिर।